नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल द रियल गुरु में। तो आज चलते हैं कुष्मांडा देवी जो कि घाटमपुर में हैं। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां माँ कुष्मांडा विराजमान हैं। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के सागर कानपुर के बीच घाटमपुर में स्थित है। यहां माँ कुष्मांडा लेटी हुई मुद्रा में हैं। पिंड स्वरूप में लेटी माँ कुष्मांडा से लगातार पानी रिसता है। मान्यता है कि इस पानी को पीने से कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। यही कारण है कि इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति माना जाता है। अब बात करते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। माँ कुष्मांडा का यह मंदिर मराठा शैली में बना हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ स्थापित मूर्तियाँ दूसरी से दसवीं शताब्दी के मध्य की हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुड़हा नामक ग्वाले की गाय अपना दूध झाड़ी में गिरा देती थी। गाय द्वारा यह काम हर दिन किया जाता था। इसे देखकर एक दिन कुड़हा ने यहाँ खुदाई की तो उसे एक मूर्ति दिखाई दी। काफ़ी खुदाई करने के बाद भी उसे इस मूर्ति का अंत नहीं मिला तो उसने इस स्थान पर एक चबूतरे का निर्माण करा दिया। बताया जाता है कि माँ कुष्मांडा देवी के वर्तमान मंदिर का निर्माण 1890 में चंदीदीन भुर्जी ने कराया था। बताया जाता है कि 1988 से इस मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही है। कुष्मांडा देवी का यह मंदिर अपने आप में बहुत से रहस्यों को समेटे हुए है और बहुत से रहस्य ऐसे हैं जिससे अभी भी दुनिया अनजान है। यहाँ माँ कुष्मांडा एक पिंडी के स्वरूप में लेटी हुई हैं जिससे लगातार पानी रिसता रहता है। आज तक वैज्ञानिक भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए कि यह रिसने वाला पानी कहां से आता है। मान्यता है कि सूर्योदय से पूर्व स्नान कर 6 माह तक जो भी इस जल का प्रयोग करता है उसकी हर तरह की बीमारी ठीक हो जाती है। यही नहीं, मंदिर परिसर में 2 तालाब भी हैं। कहा जाता है कि दोनों तालाब आज तक कभी सूखे नहीं हैं। इसमें हर मौसम में पानी भरा रहता है। यहाँ जो भी भक्त माँ कुष्मांडा के दर्शन करने के लिए आता है वह एक तालाब में स्नान करता है, उसके बाद दूसरे तालाब से जल लेकर माता को अर्पित करता है। कानपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर घाटमपुर तहसील में माँ कुष्मांडा देवी का लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है, लेकिन इसकी नींव 1380 में राजा घाटमपुर दर्शन ने रखी थी। इसमें एक चबूतरे में माँ की मूर्ति लेटी थी। 1890 में घाटमपुर के कारोबारी चंदीदीन भुर्जी ने मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर माँ दुर्गा की चौथी स्वरूप माँ कुष्मांडा देवी इस प्राचीन मंदिर में लेटी हुई मुद्रा में हैं। एक पिंड के रूप में लेटी माँ कुष्मांडा से लगातार पानी रिसता रहता है और जो भक्त जल ग्रहण कर लेता है उसका जटिल से जटिल रोग दूर हो जाता है। हालांकि यह अब तक रहस्य बना हुआ है कि पिंडी से पानी कैसे निकलता है। कई साइंटिस्ट आए और कई सालों का शोध किया लेकिन माँ के इस चमत्कार की खोज नहीं कर पाए।
और यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ के केवल माली करते हैं। माता कुष्मांडा देवी में पंडित पूजा नहीं कराते। यहाँ नवरात्र हो या अन्य दिन, सिर्फ माली ही पूजा अर्चना करते हैं। दसवीं पीढ़ी के पुजारी माली गंगाराम ने बताया कि हमारे परिवार से दसवीं पीढ़ी की संतान है जो माता रानी के दरबार में पूजा पाठ करवाते हैं। सुबह स्नान ध्यान कर माता रानी के पट खोलना, पूजा पाठ के साथ हवन करना प्रतिदिन का काम है। मनोकामना पूरी होने पर जो भक्तगण आते हैं हवन पूजन करवाते हैं। गंगाराम ने बताया कि करीब 1000 साल पहले एक घाटमपुर गांव जंगलों से घिरा था। इसी गांव का एक ग्वाला जिनका नाम कुड़हा था, वो यहाँ पर गाय चराने आते थे। शाम के वक्त जब वह घर जाता और गाय से दूध निकालता तो गाय एक बूंद दूध नहीं देती। उसको शक हुआ और शाम को जब वह गाय को लेकर चलने लगा तभी गाय के आंचल से दूध की धार निकली। माँ ने प्रकट होकर ग्वाले से कहा कि मैं माता सती का चौथा अंश हूँ। ग्वाले ने यह बात पूरे गांव को बताई और उस जगह खुदाई की गई तो माँ कुष्मांडा देवी की पिंडी निकली। गांव वालों ने पिंडी की स्थापना वहीं करवा दी और माँ की पिंडी से निकलने वाले जल को प्रसाद स्वरूप मानकर पीने लगे। माता कुष्मांडा की कहानी शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर की पत्नी सती के मायके में उनके पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया गया था। माता सती भगवान शंकर की मर्जी के खिलाफ उस यज्ञ में शामिल हो गईं। माता सती के पिता ने भगवान शंकर को भला बुरा कहा था जिससे आक्रोशित होकर माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। माता सती के अलग अलग स्थानों में 9 अंश गिरे थे। माना जाता है कि चौथा अंश घाटमपुर में गिरा था। तब से यहाँ माता कुष्मांडा विराजमान हैं। गंगाराम ने बताया कि यदि सूर्योदय से पहले नहाकर 6 माह तक इस नीर का इस्तेमाल किसी भी बीमारी में करें तो उसकी बीमारी 100% ठीक हो जाती है। साथ ही नवरात्र में हर रोज़ भक्त माँ के दरबार में हाजिरी लगाएं और प्रसाद स्वरूप पुआ, गुड़ और चना चढ़ाएं। कुष्मांडा माता भक्त की हर मनोकामना पूरी करती हैं। मंदिर के पास बने तालाब में कभी पानी नहीं सूखता। अध्यापक सुशील कुमार के मुताबिक बारिश हो या नहीं इस बात का तालाब पर कोई असर नहीं पड़ता। सूखा भी पड़ जाए तो इसमें पानी कम नहीं होता। उन्होंने अपनी उम्र 65 वर्ष बताते हुए दावा किया कि कभी इसे सूखते नहीं देखा। गंगाराम ने बताया कि जब फूलन देवी भी माँ के दरबार में नवरात्र में एक दिन के लिए ज़रूर आती थी। जब फूलन ने 21 ठाकुरों का कत्ल कर वहाँ से सीधे अकबरपुर के रास्ते कुष्मांडा देवी के मंदिर पर आई थी, फूलन ने उसी दौरान पूजा पाठ कर आत्मसमर्पण की बात माँ के दरबार में कही थी। आज भी फूलन देवी के माँ के दरबार में बांधे घंटे गवाही देते हैं। वहीं 30 साल तक बीहड़ों का शेर रहा ददुआ भी माँ का भक्त था। वह हर नवरात्र को माता रानी के दर्शन के लिए आता था और कन्याओं को भोज कराता था। ऐसे कई लोग हैं जो माँ के दरबार में हाजिरी लगाते थे।